क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बोलते यूपीएससी में ऐसा होता है, देखो तैयारी करोगे भले ही सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन कुछ बन जाओगे। मैं साफ साफ समझाना, लफाजी हटाओ, खुली बात करो, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? उसने 10 साल गंवा दिए, उसके पास सब्जेक्ट्स थे, कुछ थे, मैथ्स और सोशोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे, क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से, ये बन जाते हैं, और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से, जिसके लिए अब समाज में कोई स्थान नहीं, जिसकी उम्र बीत चुकी है, जिसका आत्मसम्मान और आत्मबल नष्ट हो चुका है, ये बन के निकलता है। लेकिन दिलासा ऐसी दी जाती है, देखो यूपीएससी तो मंदिर है, तुम वहां भक्त बन जाओ और अपनी जवानी की वहां पर आहुति दो। क्या है ये? सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?